यार अभी पिछले 5-6 सालों से कोई सुपर हीरो मूवी आई ही नहीं। तो फिर शी हल्क, द मार्वल्स, ये सब क्या है भैया? ये सब तो क्रिंजी टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम रील्स हैं। इनको तुम सुपर हीरो मूवीज अगर बोलते हो तो फिर मेरे घर के पीछे एक कुतिया रहती है, ये इनसे बड़ी सुपर हीरो है। बात तो सही है। तो 2023 में इतना सारा हगने के बाद अब मार्वल 2024 में क्या करेगा, कौन कौन सी मूवीज एंड टीवी शोज आने वाले हैं, लेट्स सी। तो नए साल की शुरुआत होगी मैडम वेब के जलवे से जो की रिलीज होगी वैलेंटाइंस डे के दिन। वैसे इस दिन तो सब यार ओयो में होंगे तो मूवी देखने कौन जाएगा, हमारे जैसे सिंगल लड़के जाएंगे यार, क्या बात कर रहे हो। मैडम वेब रिलीज होगी 14th of Feb 2024 को एंड इसमें कोई सुपर हीरो नहीं है, सारी की सारी सुपर हीरोइनी है। एंड ट्रेलर ब्रेकडाउन में मैं पहले ही बता चुका हूँ ये मूवी बहुत सारी क्रिंज कॉमेडी जबरदस्ती के डायलॉग से भरी होगी जिसमें कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होगा, तो तुम मत ही देखने जाना इसको, पैसे एंड टाइम मत खर्च करना, मैं देख लूंगा, रिव्यू बना के डाल दूंगा, ट्रस्ट मी। इसमें देखो क्यों, इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है, 50 Shades of Grey वाली एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन सुपर हीरो रोल कहाँ से कर लेगी यार, वो उसकी पर्सनैलिटी में ही नहीं है। ये मूवी पहले से ही लिख के रख लो फ्लॉप है। इसमें बेसिकली स्पाइडरमैन कॉमिक्स के 3 हीरोज होंगे, आई मीन हीरोइंस, स्पाइडर वुमेन, स्पाइडर बिटिया मतलब स्पाइडर गर्ल और मैडम वेब। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। तो मैडम वेब को तो एकदम ही स्किप कर देना, भूल ही जाना कि ये ऐसी कोई मूवी भी आ रही है जो देखने लायक मूवी है। एंड एंड गेम के बाद सबसे ज्यादा स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद सबसे ज्यादा हाइप्ड मूवी है जिसका बहुत लोग वेट कर रहे हैं, सभी मार्वल फैंस वेट कर रहे हैं, वो होने वाली है डेडपूल 3। एंड इसकी रिलीज डेट बताई जा रही है 26th of July 2024। पहले ये मई में रिलीज होनी थी बट बाद में इसे बढ़ाकर जुलाई कर दिया गया, लेकिन कुछ भी हो ये अगले साल की दी बिगेस्ट सुपर हीरो मूवी होने वाली है, इस बात पे एकदम ठप्पा लगा दो। अब आप सोच रहे हो इसका क्रेज, इसकी हाइप अभी तो उतनी नहीं दिख रही, तो भाई एक ट्रेलर आने दो एटलीस्ट, है ना, ट्रेलर की न्यूज ही आ जाने दो, टीजर ही आ जाने दो, फिर देखना, मतलब थोड़ा सा रिवील होगा उसके बाद इसकी जो हाइप बनेगी। और जैसी मार्केटिंग मार्वल ने नो वे होम में करी थी, लाइक लोगों को कंफ्यूजन में रखा था कि स्पाइडरमैन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कुछ उस टाइप का अगर मार्वल इसमें भी कर देता है वैसे तो क्रेज होगा, बट अगर वैसा कुछ भी तड़का लगा देता है तो भाई ये मूवी मतलब फाड़ देगी। इसकी हाइप सीधे सीधे एंड गेम लेवल पर होने वाली है। इसमें 4 कंफर्म्ड कैमियोज हैं, सेबर टूथ, टोड, इलेक्ट्रा एंड डॉग पूल। एंड इस मूवी में लोकी से लेकर फॉक्स के एक्समैन तक से कनेक्शन होगा जिससे इसका जो प्लॉट, जो स्टोरी सेट होगी वो सीरियसली बहुत ज्यादा ह्यूज एंड मजेदार होगी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस मूवी के हाइप का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है वुल्वरीन, एंड फैंस को डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन की फाइट ऑन स्क्रीन, ऑन बिग स्क्रीन देखने को मिलेगी, खूब सारा हो हल्ला होगा भाई, मतलब नो वे होम के बाद समझ लो ये नो वे होम या एंड गेम लेवल की मूवी है, एंड गेम से 19-20 कर लो, 19-20 का ही तो फर्क है बस। पहले तो डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन की फाइट होगी, उसके बाद ये दोनों टीम अप कर जाएंगे जो मेन विलन होगा उसके अगेंस्ट। और डेडपूल 3 में एक्चुअल में कौन कौन आ रहा है बहुत ज्यादा लाइक डीप में जानना चाहते हो सब कुछ, तो इसका डेडिकेटेड वीडियो मैंने चैनल पर बना दिया है, तुम उसे चेकआउट कर सकते हो। अगली बिग मूवी होगी मार्वल की नेक्स्ट ईयर, क्रेवन द हंटर, जो आनी तो अगले साल अगस्त में है, बट यार ट्रेलर अभी एक साल पहले ही पता नहीं क्यों रिलीज कर दिया गया, मतलब मूवी के आते आते तो लोग भूल भी जाएंगे कि ट्रेलर भी आया था, ऐसी कोई मूवी भी आनी है। अब ट्रेलर में वैसे ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है बिकॉज यू नो इट्स फर्स्ट ट्रेलर, एंड सेम एक्टर जिन्हें एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन ने खूब सारी गोलियां खिलाई थी, अब वो जो क्विक सिल्वर बने थे एज ऑफ अल्ट्रॉन में, अब वही क्रेवन द हंटर का रोल प्ले करने वाले हैं। बट मुझे इस मूवी से थोड़ी बहुत होप्स इसलिए हैं बिकॉज ये मूवी आर रेटेड रहने वाली है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर क्रेवन्स कैरेक्टर, क्योंकि क्रेवन का कैरेक्टर एकदम जानवरों वाला है तो ब्लडी वायलेंस तो होना इसमें बनता ही है। इसके अलावा क्रेवन द हंटर में स्पाइडरमैन को लेकर भी काफी सारे रेफरेंसेस होंगे, एंड ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि क्रेवन द हंटर में तो स्पाइडरमैन नहीं आएगा, बट इस बात पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्टर एरन टेलर जॉनसन ने यह बोला था कि वो क्रेवन द हंटर के सीक्वल में यानी इसके पार्ट 2 में स्पाइडरमैन से जरूर से फाइट लेना चाहेंगे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि क्रेवन द हंटर मतलब पूरी मूवी में स्पाइडरमैन के रेफरेंसेस होंगे, एंड मे बी पोस्ट क्रेडिट सीन में शायद स्पाइडरमैन आ ही सकता है जो कि क्रेवन के अगले पार्ट के लिए स्टोरी सेट कर देगा। सो दिस मूवी विल बी डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग। अपडेट पूल के बाद अगली जो सबसे बड़ी सुपर हीरो मूवी होगी नेक्स्ट ईयर की वो रहेगी वेनम 3। एंड ये नोट कर लो भाई कि इस बार अगर वेनम 3 में सीरियसली मार्वल को लाइक कोई तगड़ा सरप्राइज देना पड़ेगा जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम में तीनों स्पाइडीज का दिया था, क्योंकि देखो वेनम 1 और 2 में हम ऑलरेडी वेनम वर्सेस सिम्बियोट देख चुके हैं, वेनम वर्सेस रायट, वेनम वर्सेस कार्नेज, तो अगर थर्ड मूवी में भी सेम चीज देखने को मिलती है, वेनम वर्सेस कोई नया सिम्बियोट, कोई ट्विस्ट नहीं होता,
कोई नया लाइक कैरेक्टर वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं करता मार्वल, तो भाई फिर वेनम 3 पिट जाएगी, क्योंकि अभी देखो वेनम 2 में ही कहीं ना कहीं लोग इसको देखकर बहुत डिसअपॉइंट हुए थे। वेनम 1 अच्छी थी एक्चुअल में, रायट जो था वो कार्नेज से कहीं ज्यादा अच्छा विलन था। कार्नेज वाला सीन बहुत जबरदस्ती का लग रहा था, एंड जिस तरह से उसको लाइक वेनम ने बीट किया था वो भी बहुत इलॉजिकल लग रहा था मूवी के हिसाब से। तो यही सेम चीज अगर थर्ड मूवी में भी मार्वल करता है तो फिर भाई वेनम 3 कहीं ना कहीं पिटने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, एंड फिर हमारा विश्वास भी वेनम से उठ ही जाएगा। वेनम 3 आएगी 8th of November 2024 में। प्लॉट या स्टोरी कुछ भी कंफर्म नहीं इसका, सो लेट्स सी क्या देखने को मिलता है। वैसे पता नहीं अब ये लोग क्यों वेनम वर्सेस स्पाइडी नहीं करा रहे हैं, काफी टाइम हो गया यार, दे नीड सम गुड मूवीज। उनके पास मार्वल के पास इतनी चॉइसेस हैं, ये लोग पता नहीं क्यों हक देते हैं यार। मतलब वेनम वर्सेस स्पाइडी दिखा दो जैसे डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन दिखा रहे हो, तो ऐसा कुछ करो जो फैंस एक्चुअल में चाहते। भाई मैडम वेब कोई नहीं चाहता यार। नेक्स्ट वन इज स्पाइडरमैन बियॉन्ड स्पाइडरवर्स। तो अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के बाद अब अगली मूवी में स्पाइडरवर्स के भी आगे जाने की तैयारी में है माइल्स मोरालेस। दैट्स व्हाई दिस वन इज नेम्ड बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स। बट लेट मी टेल यू कि ये मूवी पहले तो मार्च 2024 में रिलीज होनी थी, बट फिलहाल ये काफी ज्यादा डिले हो चुकी है, इवन 2024 के एंड या फिर 2025 तक में भी जा सकती है। वो अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, जैसे ही होगा हम बैठे यहाँ बताने के लिए। और अब कुछ ऐसे शोज मार्वल के जो 2024 में आने हैं उनके नाम भी बता देता हूं आपको, इतने ज्यादा लाइक वो हाइप्ड नहीं है कि उनके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाए। पहला शो तो है एको, जिसका ट्रेलर थोड़ा भाई मतलब एक्चुअल में सही लग रहा है, तो वो अभी 10th ऑफ जनवरी को ही आ जाएगी, इसको लेकर देखता हूं कैसा है, वीडियो बना दूंगा। उसके बाद है एक्समैन 97, अगाथा कवन ऑफ केओस, फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, आईज ऑफ वकांडा एंड मार्वल ज़ॉम्बीज। ये सारे शोज भी अभी आने हैं मार्वल के 2024 में, तो जो भी तुम्हारे फेवरेट हैं उन सबकी डेट्स नोट कर लिया तो एक काम और कर दो, वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब इफ ऑलरेडी नहीं किया है तो, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।